के माहौल में रहते हैं, ठीक है। खत्म हो गया। देखिए पार्ट ए में आपको बॉयल सलाह पढ़ाए थे, चार सलाह बताए थे, और गैट्रोला और गेल साइकला, पार्शियल प्रेशर, ग्राम सलाह ऑफ डिफ्यूजन, आइडियल गैस इक्वेशन, इतना बता दिया था ना। ये तो लिखे थे ना पार्ट ए में एक्सपेरिमेंटल लॉ। बोले भाई पार्ट बी में ये आप एवरेज मास इफेक्ट लिखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। देख लो भाई, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। देखिए इसमें ईच गैस, एक बात आपको बताया थे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आएंगे, थोड़ा किस सतन जी, पास पास आते 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 इतना पहुंचेंगे, कर देंगे इतना पहुंचते पहुंचते यहाँ के बाद इससे पास नहीं आएंगे। थोड़ा फील कीजिएगा, आएंगे बट फिर यहीं से फिर क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है भाई। जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आएंगे, लेकिन एकदम पास वो हमेशा दूर भागते रहते हैं, क्या रहते रहेंगे, और एकदम टकराएंगे भी नहीं, बस समझ रहे हैं, वो टकराएंगे बस पास पास आएंगे, फिर वहीं से क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे मतलब रिपल्सन होने लगता है, और अट्रैक्शन भी होगा, जब एकदम पास पास आएंगे तब रिपल्सन होने लगता है, इसलिए कभी गैस के मॉलिक्यूल इसलिए चिपकते नहीं है कभी, नहीं तो ऐसा होता सब गैस के मॉलिक्यूल मिलकर के लिक्विड ही बना लेते और मिलते तो फिर सॉलिड बन जाते। बोलो भैया, लेकिन वो मिलते नहीं, लिखेगा वो स्विच लिखिए, अरे यार तुम कहां, ईच गैस इज, पहला पॉइंट लिखो भाई, लाओ मत हो, देखो पहला क्यों बोलते, ईच गैस इज कंपोज्ड, कंपोज्ड ऑफ, सबको सब नहीं, कंपोज्ड ऑफ आर्टिकल वन मच स्मॉलर टीनी पार्टिकल, स्मॉलर टीनी पार्टिकल विच आर कॉल्ड एज, विच आर कॉल्ड एज, इसे क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स, पहले इसको क्या बोलेंगे कृष्णा जी, अब समझिएगा, जैसे आपने लिखा है भाई कि ईच गैस इज कंपोज्ड ऑफ मच मच स्मॉलर टिनी पार्टिकल, मच मच का मतलब बहुत ही छोटा, छोटा से भी छोटा, जो गैस का मॉलिक्यूल्स होगा, सॉरी जो गैस का छोटा छोटा पार्टिकल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूल, पहले क्या बोलते हैं उसी को, मॉलिक्यूल। अगला पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल एंड रिजिड, मॉलिक्यूल्स कैसा होगा भाई, रिजिड, स्फेरिकल एंड रिजिड, स्फेरिकल एंड रिजिड, सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स हम उसकी बात कर रहे हैं, जो जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, रिजिड मतलब सॉलिड की तरह, लिखिएगा नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर कोई स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना होता है जी बताओ, क्या स्फेरिकल का वॉल्यूम, 1/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, बता रहे हैं तुम, हम क्या बोले, 1/3 बोले, अच्छा वो होता है 4/3 होता है, स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना था, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 सही है ना, पाई आर 1/3 सर थोड़ा सा गलत हो गया है, 4 की जगह वो ठीक है, 1 नहीं, मैटर ये करता कि जो हम लिखे वो सही है ना, हां सर हम गलत बोलते ही नहीं, इसलिए बोलते ही नहीं तो गलत होगा कहां से, पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे थे तो वो सब सही बोल रहे थे, बस कंफ्यूजन था ऊपर नीचे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि मान लीजिए कि अगर ये जो रूम है इतना गैस का वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम गैस का,
ये रूम जितना है आपने इतना इसमें गैस भर दिया है। yes. अब इसमें किसी एक वॉल्यूम का अगर किसी एक मालिकूल का वॉल्यूम पूछा जाए इस पूरे रूम के कंपेरिजन में क्या होगा? बहुत छोटा, बहुत कम होगा। yes, नेग्लेक्जिबल होगा भाई। अगर पूरा आपका पूरा गैस से भरा हुआ है, पूरा भूसा भरा हुआ है, yes, उसमें अगर एक भूसे का मास पूछा जाए तो बहुत क्या होगा? बहुत कम होगा। उतना बड़ा फ्लैट, उतने बड़े फ्लैट में अगर एक बच्चे के बारे में पूछा जाए तो शायद वो बहुत ही एटम के बारे में। नहीं, एटम मत बताइए, मतलब है चलो एटम मत बताओ, एटम बताओ। नहीं नहीं, आप एटम नहीं है कि नहीं भाई? अब पढ़ लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बहुत ही वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेक्टेबल। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लेक्टेबल। कंपैरिजन या नेग्लेक्टेबल देन कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम ऑफ द करेक्ट, जो गैस का टोटल वॉल्यूम होगा उसके कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम हो क्या होगा? नेग्लेक्टेबल होगा। अब देखिए, अगर एक मॉलिक्यूल बहुत ही कम होगा तो उसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ना ही रिपल्सिव फोर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देयर इज नो अट्रैक्टिव एंड नो रिपल्सिव फोर्स। There is no attractive and no repulsive force exist between molecules of an ideal gas. अभी मैं आगे बताऊंगा आपको ideal gas और real gas के बारे में, ठीक है ना लघु जी? सॉरी, यस सर, सत्यम जी। अभी हम आगे अलग से पढ़ेंगे ideal gas और real gas। यहाँ हमने लिखा कि अगर कोई ideal gas है किसका जी, क्या है उसमें कोई attractive force या कोई repulsive force नहीं लगेगा, neither attractive nor repulsive। ठीक है भाई, देखिए मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब देखिए, जो गैस के मॉलिक्यूल छोटे छोटे देखने चाहिए वो हर डायरेक्शन मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल है ना, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर मूव इन ऑल डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब इधर उधर, कोई डायरेक्शन नहीं जाएगा, ठीक है ना। रैंडम मोशन मतलब जिधर भी इनको स्पेस में उधर जाने लगेंगे, जाएंगे दीवार टकरा के फिर वापस आ जाएंगे, दूसरी तरफ जाने लगेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कहा जो गैस के मॉलिक्यूल सब मूव करेंगे हर डायरेक्शन में भैया। yes, जब अगर हर डायरेक्शन मूव करेंगे तो कभी न कभी जाकर के वॉल के कंटेनर से टकराएंगे कि नहीं? सॉरी, मैंने गलत बोला, कंटेनर के वॉल से। वॉल के कंटेनर से नहीं, कंटेनर के वॉल। जब देखिए वॉल से जब टकराएंगे तो वहीं पे आपका प्रेशर जनरेट होगा। बोलिए, नहीं समझ रहे? और उसी एक नाम देते थे पार्शियल प्रेशर, याद कीजिए। तो उसमें कहा कि जो एक गैस के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसी का नाम क्या दिए थे भाई? पार्शियल प्रेशर। ये पॉइंट लिख लीजिए, ये समझ रहे ना कि जब मूव करेगा तो जाके दीवार पे टकराएगा, कोलाइड करेगा तो टकराएगा ना बार बार। लिखो भाई, देखिए, बम्बारमेंट ऑफ मॉलिक्यूल
वो एक गैस जाके मतलब टकराता है जैसे कंटेनर में गैस बहुत सी गैस होंगी ना, फिलहाल भी एक ही मान के चलिए बम्बारमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर bombardment of gas molecules on the wall of container is responsible for the origin of pressure. Bole bhai Satyan ji. Yes. Responsible for the origin of pressure. इतना समझ गए भैया, ये जो टकराएगा जाकर के दीवार से वहीं से क्या आपका जनरेट होगा ओरिजिन ऑफ प्रेशर. ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बस एक पॉइंट. काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ सॉल्यूट टेम्परेचर. ऑफ सॉल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं जीरो केल्विन, किसको बोलते हैं भाई जीरो केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस. कितना -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है भाई, बोले कृष्णा जी. तो इसमें देखिए भाई, कुछ समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत कि इसमें क्या क्या आ गया कि जो गैस के माल जो गैस के मालिक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसी पार्टिकल का नाम क्या दे दिया गया मालिक्यूल. देखो मालिक्यूल इसलिए बोलते हैं कि जिसे एक आपने कुछ सुना होगा एटम और मालिक्यूल. तो मालिक्यूल इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसे रिएक्ट नहीं करती. जैसे आपने नोबल गैस सुना होगा, मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा, मोनो एटॉमिक मालिक्यूल डाई एटॉमिक मालिक्यूल याद कीजिए भाई. तो जो मॉलिक्यूल्स का मतलब किसी रिएक्शन नहीं करते हैं. तो पहला पॉइंट बस समझ के भाई कि जो गैस होगा छोटे छोटे जो पार्टिकल से बना होगा उसी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं भाई मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. दूसरा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स होगा कैसा होगा आपका स्फेरिकल. क्योंकि आप अपने मन से सोचिए कि जो जैसे हीलियम है हाइड्रोजन है या नियॉन है कुछ भी है तो एटम है कि नहीं है एटम है कि नहीं. और एटम होगा तो स्फेरिकल होगा कि नहीं होगा. नहीं समझ रहे भैया. तो वही कहा गया कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल सारे स्फेरिकल हैं रिजिड. और एक मॉलिक्यूल का स्फीयर कितना होगा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स 4/3 pi r³. यहाँ जो वॉल्यूम लेके फिलहाल स्फीयर का लेंगे क्योंकि आपका मॉलिक्यूल स्फेरिकल है. नहीं सब लिखा भाई वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल देन द कंपैरिजन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. यानी एक कंटेनर से अगर एक लीटर निकाल लिया जाए एक लीटर ले लिया जाए उससे कोई फर्क नहीं. पूरे गंगा जी से 2 लीटर निकाल लीजिए दर्शन करने जाइए, गंगा जी आपको बोलने लगे कि मत ले जाओ पानी कम हो जाएगा. नहीं सर. अगला देखो भाई, कह रहे अगर कोई आइडियल गैस है क्या भाई आइडियल. तो उसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स नहीं. नहीं होगा. अगला क्या लिखा भाई, बम्बारमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. जब कंटेनर के वॉल से टकराएगा तो प्रेशर जनरेट होगा. बोले भाई ओरिजिन ऑफ प्रेशर. अगला में लिखा कंटेनर जो किसके लाइन पर हो सर भाई एब्सोल्यूट टेंपरेचर को. यानी जब टेंपरेचर बढ़ाइएगा तो मोशन. इसे देखिए जब मोशन बढ़ेगा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी आप देखिए जो बर्नर पे गर्म करते हैं गैस पे वो मूव करने लगते हैं. यस सर. समझे भाई टेंपरेचर बढ़ाने से. बोलो भैया चले आगे. अगला लिखिएगा आइडियल गैस एंड रियल गैस. आइडियल गैस एंड देखो खत्म कर दिया जाए इस चैप्टर को. हाँ जी. नहीं नहीं देखो आप आइडियल गैस हेडिंग है भाई ब्लैक वाली फेंक दे क्या कलम. अच्छा जान दे ठीक है. आइडियल गैस एंड रियल गैस. देखो एक बात ये होता नेचर में अगर चाहे कोई कितनों को लेकिन कोई आइडियल नहीं. आइडियल का हिंदी होता आदर्श. आदर्श राम जी को माना गया था कि आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है. उनसे भी कुछ मिस्टेक हो गया था छोटा बहुत. अब अगर छोड़िए क्या हुआ था अलग मैटर है लेकिन किसी से ना किसी सबसे कुछ न कुछ मिस्टेक. क्यों भाई कृष्ण जी थे देखिए उनसे भी कुछ मिस्टेक हो गए. कुछ युधिष्ठिर जी थे उनसे भी कुछ मिस्टेक हो गया था. आप सुने युधिष्ठिर जी का जब आप यक्ष का नाम सुनेंगे यक्ष ने कुछ सवाल किया था कुछ भविष्यवाणी हुई थी
उससे पहले उनका जो रथ था वो हमेशा आसमान पर चलता था, बट एक बार उन्होंने कोई छोटा सा झूठ बोल दिया था, कोई आत्यति का मैटर था, उन्होंने कोई झूठ बोल दिया था। अब ये नहीं पता, छोड़िए मैटर, बस इतना क्लोज कीजिए कि आइडियल कोई है नहीं। बात समझ रहे हैं? किसी जी चाहते थे मनु को कुछ नहीं होता, जब मनु अमर होता। किसी चाहते तो कर्ण को कोई नहीं मार पाता, क्योंकि सूर्य पुत्र थे ना, उनके अंदर एक कवच था, कवच कुंडल था। क्यों भाई आशीष जी, आप कुछ दिख नहीं आंटी जी? अभी चुरन दी है बस। अच्छा, चुरन का आजमा बने। चलिए कुछ मिला ना, रेडी लिखो भाई, आइडियल गैस एंड रियल गैस लिखो, उसमें लिखो आइडियल गैस। ठीक है भाई, आइडियल गैस इज दैट, इज दैट विच हैज, ये पहला पॉइंट ये लिखेंगे, उसमें कोई फोर्स लगेगा आइडियल गैस में? नो सर। देखो, आइडियल गैस इज दैट विच हैव नो अट्रैक्टिव, नो रिपल्सिव फोर्स, नो अट्रैक्टिव, नो रिपल्सिव फोर्स, ना उसमें कोई अट्रैक्शन होगा, ना ही कोई उसमें रिपल्सन होगा। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिखेगा, आइडियल गैस इज दैट, आइडियल गैस इज दैट विच हैव पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हैज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अगर कोई आइडियल गैस है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भैया आशीष जी? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, मतलब हमेशा चलता रहता नहीं, पोटेंशियल जो था कैंटीग्रेड प्लस पोटेंशियल, सॉरी जीरो मतलब हमेशा मूव करता रहेगा। ठीक है, वो हमेशा क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, आइडियल गैस इज दैट, इज दैट हुज टोटल काइनेटिक एनर्जी, हुज टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल इंटरनल एनर्जी लिखिएगा, हुज टोटल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल लिखे हो आप, टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल क्योंकि होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल आपका जीरो हो गया, इसलिए किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक के बराबर। अभी देखा, अगले एक लाइन छोड़ रखे, रियल गैस इन विच, एक लाइन छोड़ करके, रियल गैस इन विच अट्रैक्टिव फोर्स, रियल गैस लिखो, हाँ लिखो भाई, एक लाइन छोड़ के, रियल गैस इन विच अट्रैक्टिव फोर्स आर ओ आर आर रिपल्सिव फोर्स कैन एग्जिस्ट, अट्रैक्टिव फोर्स आर रिपल्सिव फोर्स कैन एग्जिस्ट। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिखो, देयर इज नो कंप्लीट आइडियल गैस पॉसिबल इन नेचर, सर क्या अट्रैक्टिव फोर्स है? हाँ, मतलब अगर रियल गैस है तो उसमें या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बात समझ रहे हैं? जबकि आइडियल में कोई फोर्स नहीं लगेगा, जबकि रियल में फोर्स लगेगा। ये बात क्लियर हो गई? बोलो भैया, अगला पॉइंट लिखिए, देयर इज नो कंप्लीट आइडियल गैस पॉसिबल इन द नेचर, नेचर में कोई आइडियल गैस पॉसिबल नहीं है। कोशिश किया जा सकता है कि रियल को आइडियल में कन्वर्ट कर दें, बट उस तरह से कोई नेचर में आइडियल गैस नहीं है। लिखिएगा, देयर इज नो कंप्लीट आइडियल गैस इन नेचर पॉसिबल इन नेचर, वही पॉसिबल इन नेचर। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑल द गैस आर रियल गैस, All the gas are real gas. But the behavior of real gas, become करो उसको, तो अच्छा बीकम को बीकम करो, तो
तब देखिए लैंग्वेज सेंटेंस सही होता है. बीकॉम मोर एंड मोर आइडियल, सही है ना गाइस. बीकॉम मोर एंड मोर आइडियल अंडर द कंडीशन ऑफ, अंडर द कंडीशन ऑफ, द कंडीशन ऑफ वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. Under the condition of very low pressure. Under the condition of very low pressure and high temperature. इसका मतलब ये है कि रियल गैस को आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल बना सकते हैं. समझ रहे भैया? लेकिन रियल में कोई आइडियल नहीं होता है. नेचर में कोई आइडियल नहीं होता है. मान लीजिए कोई लड़का बिगड़ गया हो, मार पीट के सुधार सकते हैं एकदम सीधा? नहीं कर सकते. एग्जांपल आप चीज बिगड़े हैं. कौन बोला? क्या बोला? सुधरे ही कर गया. सुधरने का एग्जांपल ही है आपका. नहीं समझे आप? मतलब रियल गैस, नेचर कोई आइडियल गैस नहीं होता है. नेचर में जो भी मिलेगा क्या मिलेगा आपको? रियल गैस. तो रियल गैस को हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? आइडियल गैस में. ठीक है भाई, इतना बस करते हैं. अगला हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्या पढ़ेंगे? कंप्रेसिबिलिटी. उसमें देखिए क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, कि जेट की वैल्यू लेते हैं. किसकी? बताएंगे जेट क्या होता है. अगर जेट की वैल्यू 1 है, क्या है? 1, तो आइडियल गैस होता है. और जेट की वैल्यू अगर 1 से कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा, ठीक है, तो रियल गैस की होगा. किसके लिए? अब रियल गैस दो कंडीशन होगा. अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, कैसा? तो जेट की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी. जेट की वैल्यू 1 से कम हो जाएगा. और अगर रिपल्सिव फोर्स है, क्या? 1 से ज्यादा. 1 से. ये बात हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, आपको वो बाहर निकाल दो. बराबर इसे वो तभी बंद हो जाएगा. निकाल दो यार, निकाल दो. हेलो, बंद कर दो. ये हिल जाएगा. अरे नहीं यार,